हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ दही के शोलों की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए उसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दही के शोलों की स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप कद्दूकस किया हुआ गाजर, 100 ग्राम पनीर, 1/2 कप बारीक कटी शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, और साथ ही हमें चाहिए होगा 4 से 5 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और हंग कर्ड, ये दही है, 1/2 किलो दही हमने लिया और उसे सूती कपड़े में टांग दिया है 1 से 2 घंटे के लिए, ताकि उसका सारा पानी निकल जाए। उसके बाद ये इस तरह से दिखेगा, ये हमारे फिलिंग का बेस होगा। तो हमने एक बाउल में दही ले लिया है और अब हम इसमें पनीर को कद्दूकस करके डालेंगे। तो 100 ग्राम पनीर हम कद्दूकस करके इसमें डाल रहे हैं। पनीर को अच्छी तरह से कद्दूकस करने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई गाजर, शिमला मिर्च, हरा धनिया, हरी मिर्च, सब चीज़ें हमारी स्टफिंग में जाएंगी। और हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चिली फ्लेक्स, नमक टेस्ट के हिसाब से, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून पिसी हुई चीनी। चीनी दही की जो हल्की सी खटास होती है उसको दूर करती है और एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बनाती है दही के साथ मिलकर के। दही जो भी आप यूज़ करें वो बिल्कुल खट्टी नहीं होनी चाहिए, ताज़ी दही से हमेशा बनाएं, तभी इसका टेस्ट अच्छा आएगा। अगर दही खट्टी होगी तो टेस्ट इसका अच्छा नहीं आएगा, इसलिए कोशिश करें कि दही बिल्कुल आपकी ताजी हो। अब सभी चीज़ों को मिक्स करके हम एक तरफ रख देंगे। दही की स्टफिंग हमारी रेडी है। अब हम ब्रेड की स्लाइसेस लेंगे और उसके किनारों को इस तरह से कट करके निकाल देंगे। तो ब्रेड के किनारों को हमने निकाल लिया है और अब हम इसे बेलन से बेल करके थोड़ा पतला करेंगे। ये देखिए, अगर आपको बेलने में परेशानी हो रही है तो हल्का सा पानी के छींटे मार दें, उसके बाद बेलें तो बड़ी आसानी से ये बिल जाता है। ब्रेड भी ताज़ी लें तभी ये अच्छे बनेंगे। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे ब्रेड अपने बेल लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट ब्रेड का यूज़ किया है, जितनी हमारी स्टफिंग है इसके लिए, और उसे बेल करके हमने कपड़े से ढक दिया है ताकि ये सूखे ना। तो ब्रेड को बेलते जाइए और उसे कपड़े से ढक करके एक तरफ रखते जाइए। तो ब्रेड हमारी सारी बिल करके रेडी है। अब हम इसमें स्टफिंग की फिलिंग करेंगे। तो थोड़ा सा स्टफिंग हमने लिया है और उसे ब्रेड में इस तरह से रखेंगे बीच में, जितना पॉसिबल हो उतना ज़्यादा स्टफिंग भरें, और इसे घुमाते हुए हम रोल करेंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा सा मैदे और पानी का घोल बना करके रखा है ताकि इसके किनारों को अच्छी तरह से चिपकाया जा सके। तो मैदे और पानी के घोल को थोड़ा थोड़ा करके हम लगा रहे हैं और इसे अब हम ब्रेड को रोल करके अच्छी तरह से दबा देंगे ताकि ये एक तरफ से पूरी तरह से सील हो जाए, चिपक जाए। अब जो दोनों साइड्स हैं वहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा मैदे का घोल लगा करके हम दबा देंगे ताकि इसका जो है मुँह बंद हो जाए। ये देखिए, तो दोनों साइड में मैदे का घोल लगा करके हमने इसके पॉकेट्स इस तरह से बना लिए हैं और ये दही के शोले फ्राई होने के लिए रेडी हैं। इसी तरह से हम और भी अपने दही के शोले बना लेंगे। ये देखिए, सारे इसी तरह से हमने बना करके एक तरफ रख दिए हैं। तेल को एक तरफ गरम होने के लिए हमने रख दिया है। तेल को अच्छी तरह से गरम करें और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रहने दें, बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। बस अब एक एक करके हम इसमें दही के शोले जो हमने बनाए हैं ना, वो हम इसमें डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। तो गैस की फ्लेम का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लो टू मीडियम ही होना चाहिए, मतलब तेज़ आँच पर इसे बिल्कुल मत करिएगा, मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करिएगा ताकि अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ये देखिए, हमारे दही के शोले कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। जब एक तरफ से इनका कलर गोल्डन हो जाएगा तो हम इसकी साइड पलट देंगे
और इसी तरह से चारों तरफ से घुमा घुमा के सेक करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल फ्राई हो गए हैं, अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसे तेल में से निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी दही के छोलों को फ्राई कर लेंगे और जितने हमने बनाए हैं वो हम सारे इसमें फ्राई करके निकाल लेंगे। तो जितनी स्टफिंग हमने बनाई थी उसमें तकरीबन एक पैकेट ब्रेड हमने यूज़ किया है और हमारे अच्छे खासे दही के छोले बन गए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं आपके लिए और इसी तरह से नई नई रेसिपी लाती रहूं। ये देखिए हमारे सारे दही के छोले बन करके रेडी हो गए हैं, अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर इसका होता है और खाने में तो बड़ा ही लाजवाब ये लगता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए हम इसे काट करके आपको दिखा रहे हैं कितना ये अच्छा लग रहा है अंदर से। तो मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।